हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ विनय पांडे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नेक्स्ट वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे इनक्लोज्ड एरिया की। अभी तक हम ऐसा एरिया हम ले रहे थे जो या तो एक्स एक्सिस से अटैच था या फिर वाई एक्सिस से। यहाँ पे अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें एरिया इनक्लोज्ड होगा, ना तो एक्स से बाउंडेड होगा। कहने का मतलब यह है कि एरिया ना तो एक्स से अटैच्ड होगा ना वाई से अटैच्ड होगा, उनके बीच में कहीं होगा। Find the center of gravity of the area cut off from the parabola y square equal to 4x by the straight line y equal to mx. इस statement को दूसरे form में लिख सकते हैं। Find the locus of the centroid of the area of the parabola cut off by the variable straight line passing through the vertex. ये parabola जो है, ये parabola और ये line इस parabola के vertex से pass होती है। तो दोनों question same है और दोनों क्वेश्चन में आपको वही सॉल्यूशन करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कंसेप्ट पे फोकस करिए आप। सेकंड पार्ट जो है, जो सेकंड स्टेटमेंट है, उसको मैं हटा दे रहा हूँ। पहले डायग्राम फॉर्म करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अगर हम बात करें पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, तो वो पैराबोला इस तरीके से बनता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको एनक्लोज्ड एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी आ जाएगी, चाहे क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो किसी भी फॉर्म में बने। ध्यान से कंसेप्ट को समझना है। y इक्वल टू एम एक्स जो लाइन है, कुछ इस तरीके से पास होगी लाइन y इक्वल टू एम एक्स। इसके बीच में जो एरिया बन रहा है, इस एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो ये जो एरिया है, ना तो x से लगा हुआ है ना वाई से लगा हुआ एरिया है। तो जब हम इसमें एलिमेंट्री पार्ट इसका लेंगे, एलिमेंट्री पार्ट ये जो लिया हमने, इस एलिमेंट्री पार्ट को अगर हम वाई एक्स से अटैच करते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा ये एलिमेंट्री पार्ट। लेकिन जो एलिमेंट्री पार्ट हमको अभी कंसिडर करना है, वो इसको पी ले लिया, इसको क्यू, इसको एम, इसको एन, ये जो स्मॉल लेंथ है वो हमने डेल वाई ले ली, और ये पी डैश हो गया, ये क्यू डैश हो गया। तो जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं, जो ये वाला पॉइंट है x1, y1, और P डैश जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x2, y2। तो अभी तक जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसमें पूरी एलिमेंट्री जो स्ट्रिप थी वो पूरी आ रही थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल ही क्यों ली। x एक्सिस के पैरेलल अगर मैंने स्ट्रिप ली है, तो इस स्ट्रिप को अगर आप y एक्सिस के पैरेलल करेंगे तब भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उस केस में एलिमेंट्री स्ट्रिप x से लगती हुई बनेगी और लेंथ का जो स्मॉल डिफरेंस है वो डेल x हो जाएगा। तो अब इस स्ट्रिप का मैं फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूँ, फॉर्मूला तो हमारा सिंपल है कि x बार का फॉर्मूला क्या है। x फिलहाल ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल अगर हम लेते हैं तो जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, एक्स डी वाई अपॉन एक्स डी वाई। ये फॉर्मूले पे बाद में हम जाएंगे, पहले आप इसको देखिए कि जो एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने ली है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप में ये पी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, क्यू पी डैश के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, मिड पॉइंट की अगर हम बात करें, मिड पॉइंट ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स के पैरेलल है, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, वाई तो वाई रहेगा। लेकिन जब हम बात करें एक्स कोऑर्डिनेट की, तो अगर मैं बात करूं पी पे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा और पी डैश पे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो वाई वन और वाई टू दोनों अगर इक्वल होंगे तो इसको हम दोनों को वाई ले सकते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकाल रहे हैं, तो ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, तो ये इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, और y कोऑर्डिनेट ऐसे रहेगा। अगर आप ये जो एलिमेंट्री पार्ट है ये y एक्सिस के पैरेलल बना रहे हैं, तो चेंज क्या हो जाएगा, x वैसे रहेगा और y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस ये आपको ध्यान रखना है। हम करेंगे क्या, जो एलिमेंट्री स्ट्रिप ली है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, और मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के x बार और y बार के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे। तो अब x बार का अगर हम फॉर्मूला देखें, एक्स बार में देखिए आप ध्यान से क्या क्या आएगा। एक्स बार में अगर हम बात करें तो क्या आता है, एक्स एक्स मीन्स
इसका जो मिड पॉइंट है वो एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू इन टू एक्स डी वाई। एक्स डी वाई का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये टोटल लेंथ अगर हमको निकालनी है। अब हम अगर बात करें एम से लेकर के पी डैश, एम से लेकर के पी डैश टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स टू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक्स टू है और यहाँ से यहाँ तक पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स वन कॉमा वाई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है एक्स वन। तो इसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हमको ये वाली लेंथ मिल जाएगी, वो लेंथ क्या हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू डी वाई। हम कर क्या रहे हैं, हम इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मिड पॉइंट हमने लिया, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे, तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे और इनटू इसकी इसका एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ का मतलब ये वाली लेंथ वो क्या हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन, और ब्रेथ कितनी है इसकी डेल वाई, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन इनटू डी वाई। ये एक्स बार के लिए वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसमें जो लिमिट है वो लिमिट क्या लें, लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। y की लिमिट अगर हम देख रहे हैं तो y यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा ये वाला। तो y इक्वल टू एम एक्स हम यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, इधर लेकर के आते हैं x कॉमन आ जाएगा एम एक्स माइनस फोर ए इंटू जीरो, तो x की एक वैल्यू जीरो आ गई और दूसरी वैल्यू क्या आ गई फोर ए अपॉन एम, जीरो तो ये वाली वैल्यू हो गई और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो ये मिल गया हमको, लेकिन हमको dy y की लिमिट चाहिए। तो ये जो x की वैल्यू आई है इस x की वैल्यू को अगर हम यहाँ रखें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा m इंटू फोर ए अपॉन एम, सॉरी एम स्क्वायर था तो यहाँ एम स्क्वायर आएगा, एक कैंसिल हो गया तो फोर ए अपॉन एम। तो y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के कहाँ तक जा रहा है फोर ए अपॉन एम, और यहाँ भी आ जाएगा जीरो से फोर ए अपॉन एम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब हमको क्या करना है इसमें। एक्स बार इक्वल टू ये फॉर्मूला और वन बाई टू बाहर हो जाएगा जीरो टू फोर ए अपॉन एम एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर डी वाई अपॉन जीरो टू फोर ए अपॉन एम एक्स टू माइनस एक्स वन। अब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और यहाँ एक्स वन और एक्स टू आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, और इंटीग्रेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो हमको ये जो एक्स टू और एक्स वन वाले टर्म्स आ रहे हैं इनको वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y में कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए ये जो P पॉइंट था, ये P पॉइंट कौन से कर्व में है पैराबोला में, और P डैश किस में है लाइन में है। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और P के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या x1 वन कॉमा वाई, यहाँ रखिए आप वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स वन, और x2 P पी डैश में हमने लिया है तो इसको सेटिस्फाई करेगा m इंटू एक्स टू, समझ में आ रहा है। तो x1 और x2 आप यहाँ रख लीजिए इसमें, तो इंटीग्रेशन में क्या चेंज आएगा देखिए आप, वन बाई टू जीरो टू फोर ए अपॉन एम, एक्स टू की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से वाई अपॉन एम यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा वाई की पावर फोर अपॉन फोर ए का स्क्वायर यानी कि सिक्सटीन ए स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन जीरो टू फोर ए अपॉन एम। एक्स टू, x2 कितना है y अपॉन m माइनस x1 कितना है y स्क्वायर अपॉन 4a dy। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है और लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो 1 बाई टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3m स्क्वायर, और ये हो जाएगा y5 अपॉन 16a स्क्वायर इंटू 5 जीरो टू 4a अपॉन m, और अपॉन में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू एम माइनस वाई क्यूब अपॉन फोर ए इंटू फोर सॉरी थ्री और जीरो टू फोर ए अपॉन एम। अब आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, हायर लिमिट लगानी है, हायर लिमिट लगा करके लोअर लिमिट में तो दोनों जीरो आ जाएंगे, और हायर लिमिट लगा करके सिंप्लीफाई कर देना है। मैं फिर इसको सिंप्लीफिकेशन इसका नहीं कर रहा हूँ, जो इसका कंप्लीट आंसर एक्स बार का आ रहा है वो एक्स बार का आंसर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वो आ रहा है एट ए अपॉन फाइव एम स्क्वायर। बस इसको आपको लिमिट अप्लाई करके आंसर निकाल देना है, तो वो आ रहा है एट ए अपॉन फाइव एम स्क्वायर। ये तो बात हो गई एक्स बार की, अब हम निकालेंगे वाई बार। एक्स बार आ गया एट ए अपॉन फाइव एम स्क्वायर, अब निकालते हैं वाई बार। वाई बार के लिए क्या होगा, वाई इंटू
एरिया, एरिया क्या था इसका? एरिया था एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू डी वाई, और एरिया एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू डी वाई, लिमिट अभी भी 0 to 4 a/m, 0 to 4 a/m। तो 0 to 4 a/m y इंटू एक्स टू, एक्स टू कितना है y अपॉन m, और एक्स वन कितना है y स्क्वायर अपॉन 4 a इंटू डी वाई। 0 to 4 a/m, एक्स टू कितना है y अपॉन m, एक्स वन कितना है y स्क्वायर अपॉन 4 a इंटू डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है और लिमिट अप्लाई कर देनी है। इंटीग्रेशन क्या होगा, ये y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 m, माइनस ये y क्यूब का इंटीग्रेशन y की पावर 4/16 a हो जाएगा, और 0 to 4 a/m इसकी लिमिट है। और नीचे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 m माइनस वाई क्यूब अपॉन 12 a, और 0 to 4 a/m। फिर से लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट अप्लाई करके आपको वाई बार जो है इसका वाई बार मिल जाएगा। वाई बार आप निकाल लीजिएगा तो ये आ रहा है 2 a/m, ये वाई बार की वैल्यू है, वाई बार आ गया 2 a/m। बस आपको सिंपल लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये सॉल्यूशन हो गया इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी, जब एक लाइन जो है पैराबोला के वर्टेक्स से पास हो रही है तो उसमें जो एरिया है उस एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने निकाली है। तो आपको कंसेप्ट क्या समझना है इसमें, एलिमेंट्री स्ट्रिप बनानी है चाहे आप एक्स के पैरेलल या वाई के पैरेलल कोई भी बनाएं। मैंने एक्स के पैरेलल बनाई तो ये लाइन डेल वाई होगी, इसके एक्स वन और वाई कोऑर्डिनेट्स, इसके एक्स टू और वाई। वाई में क्यों चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक्स के पैरेलल है, तो एक्स के पैरेलल अगर कोई भी लाइन होती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। और इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन, और ब्रेथ कितनी हो गई डेल वाई, तो सॉरी हाँ एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू डी वाई कह सकते हैं हम। ये एरिया आ गया, और इसको हम इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मिड पॉइंट कितना आ रहा था, ये आ रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू। फिर बाकी नीचे मैंने आपको सॉल्यूशन पूरा करा दिया, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एरिया इनक्लोज्ड का एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है मैंने, इसको भी सॉल्व करते हैं। दो पैराबोलाज आपको दिए हुए हैं, इन दो पैराबोलाज के करस्पॉन्डिंग अगर ग्राफ बनाएंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ये ओरिजिन हो गया। और दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई, ये हो गया। अब इसके बीच का जो एरिया है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया उसमें मैंने एलिमेंट्री स्ट्रिप एक्स के पैरेलल ली थी, अभी एलिमेंट्री स्ट्रिप मैं वाई के पैरेलल लेकर के आपको बता दे रहा हूँ। ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है, लेकिन एलिमेंट्री स्ट्रिप को आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्स पे कट हो गया और वाई के पैरेलल बन जाएगी। ये पी हमने ले लिया, ये क्यू ले लिया, ये पी डैश, ये क्यू डैश, और ये एम एन हमने ले लिया। इसकी लेंथ ये एक्स में चेंज आ रहा है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी डेल एक्स। फिर से पी के कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स आप देखिए हमने मान लिए। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप, ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने ली है ये किसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल, तो इस लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट और पी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, एक्स और एक्स हमने मान लिया। वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, इसको वाई वन ले लिया, इसको वाई टू ले लिया। इसका मिड पॉइंट अगर हम निकालें तो मिड पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स तो ऐसे रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। आपको यही करना है, पहले सबसे पहला स्टेप यही है इसका। दूसरा स्टेप क्या है, आपको हम क्या करते हैं कि इसकी जो ए पॉइंट है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको निकाल लेते हैं। तो एक्स, ये जो वाई है इस वाई की वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं या एक्स की वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, तो कोई भी एक वैल्यू हम रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है बी वाई, तो वाई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी इंटू इक्वल टू वाई, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। तो एक्स की पावर 4/b² इक्वल टू ए एक्स, एक्स को कॉमन लेते हैं लेफ्ट साइड ला करके, तो एक्स क्यूब अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया जीरो। एक तो एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी और दूसरी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू कितना आ गया ए की पावर 1/3, और बी की पावर कितनी हो गई 2/3। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3। ए पॉइंट जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3। और ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा
तो एक्स की वैल्यू कितनी है? फिलहाल हमको वाई कोऑर्डिनेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप चाहें तो आप ये जो एक्स की वैल्यू आई है, इस एक्स की वैल्यू को आप चाहें यहाँ रख लें। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 2/3 और बी की पावर 4/3 इक्वल टू बी वाई। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की पावर 2/3, ये अपॉन में आएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बी की पावर 1/3। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए की पावर 2/3, बी की पावर 1/3, जो फिलहाल आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो हमको सेकंड स्टेप हमको इसमें समझना है। पहले ग्राफ, फिर एलिमेंट्री स्ट्रिप, चाहे एक्स के पैरेलल चाहे वाई के पैरेलल, पॉइंट्स लेकर के आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, वो पॉइंट आप देखिए और उसका मिड पॉइंट निकाल करके अब हम एलिमेंट्री स्ट्रिप जो है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं। एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी, ये इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे वाई वन है, यहाँ वाई टू है, तो वाई टू माइनस वाई वन, और ब्रेथ क्या है इसके, डीएक्स। एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया आ गया। अब हमको क्या निकालना, सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक्स बार और वाई बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स, तो एक्स की जगह पे एक्स आएगा, इंटू एरिया। एरिया कितना है, वाई टू माइनस वाई वन इंटू डीएक्स, और नीचे भी एरिया वाई टू माइनस वाई वन इंटू डीएक्स। अब डीएक्स के टर्म्स में आ रहा है, इसका मतलब ये वाई वन और वाई टू को हमको एक्स में कन्वर्ट करना है। ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से है, ये किस पैराबोला में आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाले में। तो एक्स स्क्वायर वाले में पी की वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई वन हो गया। तो वाई वन की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी। पी डैश पॉइंट दूसरे वाले पैराबोला में आ रहा है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये हो जाएगा वाई टू स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। तो वाई टू स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए एक्स, तो वाई टू की वैल्यू कितनी होगी, रूट ए एक्स। ये वैल्यू यहाँ रख देनी है तो एक्स बार। हाँ एक चीज़ और, लिमिट क्या रखनी है हमको, जीरो टू, एक्स की लिमिट जीरो से लेकर के कहाँ तक जा रही है, ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3, और यहाँ भी 0 to ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3, 0 to ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3। एक्स इंटू वाई टू कितना है, रूट ए इंटू रूट एक्स, माइनस वाई वन कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी इंटू डी एक्स अपॉन 0 to ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3। वाई टू रूट ए इंटू रूट एक्स माइनस वाई वन एक्स स्क्वायर अपॉन बी डी एक्स। इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स की पावर 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा और यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है और लिमिट अप्लाई कर देनी है। रूट ए ऐसे रहेगा, एक्स की पावर 3/2 का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस एक्स की पावर 4/4b। 0 to ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3 अपॉन रूट ए की पावर 1/2 है तो ए की पावर, सॉरी एक्स की पावर 1/2 है तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3b, और लिमिट है 0 to ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3। अब अगला स्टेप आपके लिए, आपको लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लोअर लिमिट में तो जीरो ही बन जाएंगे, हायर लिमिट आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ, जो आंसर इसका आ रहा है, एक्स बार जो आ रहा है वो है 9/20 ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3। ये एक्स बार के कोऑर्डिनेट्स हो गए, सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है यहाँ पे। अब वाई बार देखते हैं, वाई बार भी मैं आपको स्टेप्स बता दे रहा हूँ, बाकी सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे। वाई बार के लिए क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू इंटू एरिया, वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स, और नीचे एरिया वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स। लिमिट वही रहेगी, तो वाई बार इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 0 to ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3। वाई टू माइनस वाई वन और वाई टू प्लस वाई वन क्या हो जाएगा, वाई टू स्क्वायर। वाई टू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए एक्स। वाई वन स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन बी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 0 to ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3। वाई टू की वैल्यू रूट ए रूट एक्स
माइनस वाई वन कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी डी एक्स। फिर से आपको इंटीग्रेशन करना है और लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट आप अप्लाई कर लीजिए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स फोर अपॉन फोर बी स्क्वायर, लिमिट इज जीरो से ए की पावर वन बाई थ्री बी की पावर टू बाई थ्री अपॉन रूट ए एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री बी, लिमिट इज जीरो टू ए की पावर वन बाई थ्री बी की पावर टू बाई थ्री। फिर आपको सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में जीरो बन जाएगा, हायर लिमिट में जो आंसर आ रहा है वो आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, वो है नाइन अपॉन ट्वेंटी ए की पावर टू बाई थ्री और बी की पावर वन बाई थ्री। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वाई कोऑर्डिनेट हो गया। प्लेन एरिया के दोनों कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको क्वेश्चन बताया, कैसे कैसे आपको स्टेप्स अप्लाई करने हैं। अगर आप स्टेप्स इसके समझ गए तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस, प्लेन एरिया जो इनक्लोज्ड एरिया है वो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उसका ग्राफ जानते हैं और एलिमेंट्री स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो प्लेन एरिया के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको बुक में मिलते हैं उनको सॉल्व करें और कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, तो आपको इनके आंसर्स जरूर मिलेंगे।